बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चुविंडा में मैं इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हूँ इसको यादगार बोलते हैं। ये एक पार्क नुमा लोकेशन है जिसको शहदा की निस्बत से यादगार का नाम दिया गया है। 6 सितंबर योम दफा के हवाले से मेरी चुविंडा में आज ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको BQ डिजिटल स्कूल सिस्टम समड़ियाल के बच्चों और उनकी टीचर्स की योम दिफा के हवाले से परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं BQ डिजिटल स्कूल सिस्टम की डायरेक्टर मोहतरमा शाजिया वहीद साहिबा से इंटरव्यू भी करूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। हमारे लिए पाक से जमीन अरब के बाद अगर कोई मुकद्दस जगह है तो वो पाकिस्तान की हर जगह, जहाँ पे मेरे पास फौज का कोई भी शहीद वतन है या कोई भी सिविलियन जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान पेश की, वो जगह हमारे लिए बहुत इस बात का सबूत है कि हम उन लोगों की कुर्बानियों का तहदिल से कदर करते हैं और उनकी कुर्बानियों की तहदिल से कदर करते हैं। पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान हर पाकिस्तानी है, हमारा पाकिस्तान।
Yes, ma'am.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका तारुफ? सर मेरा नाम प्रोफेसर शाजिया वहीद है फ्रॉम समदयाल। माशाल्लाह। अच्छा कौन से स्कूल से आप? सर हमारे स्कूल का नाम DQ डिजिटल स्कूल सिस्टम है और ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल सिस्टम है। यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल बैठनाइज नहीं किया जाता और ट्यूशन वाला झंझट भी ख़त्म, बिल्कुल सारा भी हमने खुद पढ़ाना है। और सुबह बच्चे ने 9 o'clock आना है और उसके बाद 2 बजे उनकी छुट्टी है और उसके बाद उनका फैमिली टाइम है ताकि हमारा फैमिली सिस्टम स्ट्रांग हो, जो कि आजकल भरमार है कि सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं हम, या बाहर फिर लिए, या सारा दिन बच्चे स्कूल गए उसके बाद ट्यूशन चले गए उसके बाद स्पारा पढ़ने चले गए उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा तो TV लगा के दे दिया और बस ज़िंदगी गुजर जाती है। सही है। तो अच्छा। हमारे पेरेंट्स भी बड़े कोऑपरेटिव हैं और वो बच्चों को टाइम देते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जी तो आप प्रिंसिपल हो या टीचर हो? सर मैं खादिम। मैंने देखा माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी कोशिश की है, ये जितनी भी आपने कोशिश की है बच्चों को ये आपने रेडी किया है, ये आपका अपना शौक था या आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट थी? सर हमारा अपना शौक है, हमारा स्कूल जो है ना ये किसी के अंडर नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है तो हम किसी के मतहत काम ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुख्तार अदारा है और ये इनको रियलाइज़ करवाना था कि आखिर हुआ क्या था 6 सितंबर को ना। बिल्कुल। और चविंडा जो है ये शुरदा की सरजमीन है। ऐसे ही है। और हमारे लिए बड़ी मुकद्दस है, बड़ी पाक है और लोग जैसे मज़ारों को समझते हैं मैं चविंडा को समझती हूँ। सही बात है, हमारे बच्चों को आइडिया ही नहीं, इनको अवेयरनेस होनी चाहिए इन बातों की। सर अब एक दफ़ा पाकिस्तान कहेंगे ना तो ये दिल से बोलते हैं जिंदा पाक। माशाल्लाह। और इनके दिल में ईमान के बाद पाकिस्तान की मोहब्बत है और बाकी किसी चीज़ की। तो आपका स्कूल नर्सरी से मैट्रिक तक है या? नर्सरी से ऑनवर्ड मैट्रिक तक है अभी तक। सही है। और साथ में हम कुरान मजीद का तर्जमा, तफसीर, हदीस, प्राइमरी के बाद कुरान मजीद का तर्जमा भी करवाते हैं, हदीस, तफसीर, फिक वगैरह करवाते हैं, उसके बाद मैट्रिक का इम्तहान करवाते हैं। यानी इस्लामिक टच ज़्यादा है? टच नहीं है, इस्लामियात को तरजीह देते हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है। इसकी आपके स्कूल की लोकेशन क्या है? सर धानावाली रोड संभ्याल है। सही है। एयरपोर्ट के करीब है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह किसी टाइम आपके स्कूल का विज़िट करेंगे, पॉसिबल है विज़िट करना? जी ज़रूर। जी ठीक हो, थैंक यू मैम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम प्रोफेसर मरियम इकबाल है। मैं बैकुरान इंस्टीट्यूट की खादिम हूँ। और सर, ये जो आपको वाइट स्कार्फ के स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, जी जी जी, ये हमारा माशाल्लाह थर्ड बैच है तफसील का, तर्जमा तफसील। अच्छा अच्छा। और इनसे पहले इनसे भी ज़्यादा तादाद में दो बैचेस पढ़ के जा चुके हैं, तर्जमा तफसील एंड बुखारी शरीफ। लास्ट में हमारा तरबिया कोर्स होता है, वो 6 मंथ का कोर्स होता है, जिसमें हम खाना पकाना, इवन के ईच एंड एवरीथिंग, घर का हर काम उनको सिखाते हैं। सही। तो ये बैतुल कुरान के स्टूडेंट्स हैं और ये BQDSS के शाइनिंग स्टार ये सारे नर्सरी के स्टूडेंट हैं। सर, हमारा नर्सरी प्ले ग्रुप नहीं होता, हमारा फर्स्ट ईयर होता है। अच्छा। जिसको आप 11वीं 12वीं कहते हैं जी, वो हम स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर रखते हैं। अच्छा। देखिए, इनके माइंड में यानी आप रिवर्स आते हो जी, ये हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात। और ये कोई बच्चे नहीं है, ये शाइनिंग स्टार्स हैं, ये लीडर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब इनकी सोच, ये फ्यूचर के लीडर्स हैं, कोई शक नहीं। ये हमारा फर्स्ट या सेकंड स्क्वाड में बैठे हैं और जो थर्ड स्क्वाड है वो उधर साइड में बैठे हैं, थोड़े से सीनियर्स हैं। ठीक हो। ये टोटली डिजिटल स्कूल सिस्टम में पढ़ते हैं, टोटली इनका डिजिटल सिस्टम। अच्छा, आप टीचर भी हो? जी मैं। तो कितनी टीचर्स हैं टोटल? अच्छा, मैं प्रोफेसर का एकेडमिक असिस्टेंट भी हूँ। ये आपके, आपने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ये स्कार्फ, ये सारी टीचर्स हैं? जी, ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप तो माशाल्लाह अभी खुद स्टूडेंट लग रही हो। हम पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ। सर, असल में बात सोच की है ना। हाँ, ये तो बात है। ये क्या उधर बस पढ़ने के बाद उधर रहते हैं या? नहीं नहीं, हम अपने घरों में। नहीं, पढ़ने के बाद हम रात को उधर नहीं रहते, हमारा एक टाइम होता है, हम 7:30 पे सुबह। अच्छा, आपके वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि बच्चियों ने रहना है इधर ही रहना है एक वीक बाद? आप समझे कि ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, ये जामिया नहीं, जामिया से हटके मदरसा टाइप चीज नहीं है। मजे की चीज बताऊं, यहां अम्मा खासा आलिया कुछ भी नहीं है, यहां तर्जमा तफसीर है, यहां बुखारी शरीफ है, यहां तरबिया कोर्स है। सर, अम्मा खासा आलिया में फंसा के डिग्रियां देखे हमने नहीं भेजा, सबसे पहले उनकी तरबियत देखी जाए, वो घर में किस तरह रहती हैं, वो अपने पेरेंट्स से किस तरह बात करती हैं, जब वो अपने अगले घर चली गई हैं तो वो किस तरह डील कर रही हैं हर चीज़ को। अगर हम उनको अम्मा खासा आलिया की डिग्रियां दे दें, पर उन्हें तो रहना ही नहीं आता, उन्हें तो बात भी नहीं करनी आती, वो यहाँ से अबाया पहन के जाती है, बाहर निकल के वो फैशन लेती हैं, वो अबाया उतार देती हैं, तो फिर ऐसे दीन का, ऐसे सीखने का क्या फ़ायदा? अगर हमें ये अबाया उतारा है ना, तो इंशाल्लाह जब इस दुनिया से जाएंगे तभी उतरेगा, उससे पहले। हाँ जी, हमें अबाया पहना है, इंशाल्लाह ये जब इस दुनिया से जाएंगे फिर ही उतरेगा, उससे पहले नहीं। ये एक सोच है ना, और आपको पता है ये कोई जो भी जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, अपने शौक से जब आपका दिल चाहे तब। हमने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, पहले हम दुपट्टों में होते थे, लेकिन जब हमने ये पहना है ना, तब अब इसके बाद उतारना है। शाखे कितनी है इसकी? एक नहीं, ये अभी स्टार्ट है ना इनका। ठीक है जी, बड़ी खुशी हुई, इंशाल्लाह इसी टाइम विजिट करेंगे हम। ठीक है जी, इंशाल्लाह।